वहीं केरल में आई बाढ़ से कवि कुमार विश्वास भी दुखी हैं। उन्होंने जनता से बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए अपील की है। नमस्कार दोस्तों, एक बेहद महत्वपूर्ण संदेश के लिए, समाचार के लिए, सहयोग के लिए आप सबसे संवाद कर रहा हूँ। भारत एक ऐसा देश है जिसकी अवधारणाओं में पूरी दुनिया ही घर की अवधारणा है। जिसे कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, अयम नित्यं परोवेति, यह मेरा है यह दूसरे का। गणना लघु चेतसा, जिनकी चेतना ओछी है, छोटी है, गोत्री है, उनके लिए है। उदार चरिता नाम तो जिनका चरित्र बड़ा है, वसुधैव कुटुंबकम। आप और हम सदा अपने देश और देश के बाहर के लोग जब किसी संकट में हो हाथ बढ़ाते हैं, क्योंकि भारतीय मान्यताओं के अनुसार आप दूसरे को मारकर खाएं ये विकृति है। आप अपना खाएं, दूसरा अपना खाए, ये प्रकृति है। लेकिन दूसरा ठीक से खा पा रहा है इस चिंता के बाद आप खाएं, ये संस्कृति है। तो आप सभी संस्कृति धर्मी लोगों से अनुरोध है कि आद्य शंकराचार्य की तपह भूमि, जहां से हमारे सनातन धर्म की मान्यताएं निकली, एक ऐसी विभूति जिसने पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा, केदारनाथ धाम से लेकर श्रीनगर के शंकराचार्य मंदिर के शीर्ष तक पर भी जिसने अपनी चेतना की चरण रख के उनकी भूमि, उन सब बहनों की भूमि, उन सिस्टर्स की भूमि जो हिंदुस्तान के हर अस्पताल में हमारे दर्द के ऊपर अपनी मुस्कुराहट का मरहम रखती है, जो हमको इंजेक्शन लगाने से पहले पूछती है जो दर्द तो नहीं हुआ, दुखा तो नहीं, उन सब बेटियों की भूमि इस समय करा रही है। तो आप सबसे अनुरोध है, मैंने अपनी अपनी शक्ति भर जो कुछ दे सकता था वो दिया है, लेकिन हम लगातार समाचार प्लस के साथ ऐसी मुहिम करते रहे हैं। आप सबको स्मरण होगा कुछ वर्ष पहले केदारनाथ धाम में भी प्रकृति ने इसी प्रकार हमें सचेत करने के लिए कुछ किया था, और उस भयंकर त्रासदी में भी हम सब लोग वहां पहुंचे थे। डॉक्टर्स का एक बड़ा दल मेरे साथ वहां पहुंचा था, स्वयं सेवकों का बड़ा दल पहुंचा था, और समाचार प्लस के माध्यम से मैंने आपसे अनुरोध किया था सूची देकर कि ये चीज वहां आवश्यक है, ये एंटीबायोटिक आवश्यक है, ये दवाइयां आवश्यक है, टॉर्च आवश्यक है, और आप सब ने उसी तरह भेजा था। और हम दसियों ट्रक, एक दर्जन ट्रक लेकर ऊपर तक गए थे, गोचर तक पहुंचे थे, आखिरी गांव तक पहुंचे थे, जिस गांव में कोई नहीं पहुंचा था वहां पहुंचे थे। चलना मुश्किल था, एक जगह ऐसी थी जहां जा नहीं सकते थे, वहां लोहे के गाटर लगाकर कंधे पर सामान रखकर पहुंचे थे, और लोगों को थोड़ी सी सहायता कर पाए थे। तो आप सबसे अनुरोध है, केरल के माननीय मुख्यमंत्री जी का ये यहाँ पर आईडी लिखा हुआ है, आप किस तरह से पेटीएम से दे सकते हैं, किस तरह से आप चेक भेज सकते हैं, किस तरह से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। ये मत सोचिए कि थोड़ा दे रहे हैं या ज्यादा दे रहे हैं। केरल भगवान वामन की भूमि, जिन्होंने अपने ढाई पग से पृथ्वी नाप ली, तो आप ढाई पग रखते समय ये ना सोचें कि इससे मेरा क्या होगा, वो भी पृथ्वी भर की सहायता का काम करेगा। और एक आखिरी बात, कुछ मैंने जगह पर देखा, सोशल मीडिया में देखा, कुछ लोग खराब बातें कर रहे हैं, ऐसी बातें मत करिए। प्रार्थी पता पूछ कर नहीं आ, त्रासदी आपका माथा देखकर, अगर आप इस तरह के तर्क देंगे कि वहां इतने त्रासदी है कि ऐसा हुआ, मनुष्यों की हुई मूर्खताओं के कारण आप जो संकटापन्न आपके भाई हैं उनकी तरफ से मुक्त होते हैं। त्रासदी तो केदारनाथ जी में भी आई, त्रासदी तो हमारे अंडमान निकोबार के भाइयों में भी आई, सुनामी तो पूरे भारत में थी, बाढ़ तो बिहार में भी थी, उत्तर प्रदेश में भी थी, और जब जब हम संकट में होंगे एक दूसरे के लिए हाथ बढ़ाएंगे, क्योंकि डॉक्टर कुंवर बेचैन ने कहा है, ये गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर तो डाल कर देखो, तुम्हारे दिल की चुभी जरूर कम होगी, किसी के पांव का कांटा निकाल कर। तो चुपके से कांटा निकाल दीजिए, और शास्त्र कहता है हाथ से दान करें तो इसको सूचना नहीं मिलनी चाहिए, इसलिए आप जो करेंगे चुपचाप आराम से कर दीजिए। ये कुछ आईडीज लिखी हुई है, फिर दोहरा रहा हूं, आप केरल के चीफ मिनिस्टर साहब को, जिसको जहां मैंने चेक भेजा है, वहां सीधे भेज सकते हैं, आपकी चीजें वहां इस्तेमाल होगी, डिजास्टर में बहुत पैसे की आवश्यकता है। हम उन सब सरकारों के आभारी हैं, केंद्र सरकार के, दिल्ली सरकार के, उत्तर प्रदेश सरकार के, उत्तराखंड सरकार के, बिहार सरकार के, तमाम सरकारों ने अपनी ओर से वहां कुछ सहायता पहुंचाई है, लोग अपना वेतन दे रहे हैं, एक दिन का दे रहे हैं, एक महीने का दे रहे हैं, उन सब के आभारी हैं। लेकिन केरल आपको पुकार रहा है, भगवान का देश है, भगवान के नाम पर सहायता करिएगा। जय हिंद, जय भारत।